हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस हजारीबाग में स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज़रा ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 2425 होल 1/2 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। इस क्वेश्चन में क्या है, एक हेमिस्फीयर है जिसका वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है, यह हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है और हम लोग को इसमें फाइंड करने बोला इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ये फाइंड करना है। ठीक है, क्या हम लोग को फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखिए हेमिस्फीयर हम लोग क्या पढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखिए क्या होता है। ये हमारा स्फीयर, ये हमारा क्या है, स्फीयर, ये स्फीयर जिसका रेडियस आर है। तो हमने पढ़ा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो हमारा 4/3 πr³ होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³। बट इस क्वेश्चन में हमारा हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर है इसका मतलब है कि ये आधा होगा इस तरह से हेमिस्फीयर, और अगर ये हेमिस्फीयर है तो ये इसका सेंटर हो गया, ये रेडियस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दिया, इसका मतलब है कि हमको वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा वो कितना होगा, ये 4/3 πr³ है, तो स्फीयर का 4/3 πr³ होता है, उसका आधा होगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये 2/3 πr³ होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 2/3 πr³ होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए हमको कर्व सरफेस एरिया का भी जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग को कर्व सरफेस एरिया भी देखना होगा। क्या होगा, 2πr² होगा। ठीक है, चलिए तो ये कुछ फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को यूज करके हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप इस फॉर्मूला को वीडियो को पॉज करके इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो फॉर्मूला लिख लीजिए, अब देखिए क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या है। देखिए सॉल्व क्या करना है, हम लोग को कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, हम लोग के पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर कितना दिया हुआ, 2425 और 1/2 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ। ठीक है, और हम लोग को कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो कर्व सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला बताया है, CSA ऑफ अ हेमिस्फीयर जो होता है ये हमारा 2πr² होता है। इसका मतलब है कि जब तक हम लोग को रेडियस नहीं पता रहेगा, हम लोग इसका वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया फाइंड नहीं कर सकते। तो हम लोग को क्या करना होगा, ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है वहां से हम लोग को रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 2π r³ इक्वल टू, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ये तो आपका मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको बदल देंगे कितना हो जाएगा बोलिए, ये तो 2 × 5 = 10 मतलब ये 50 और इधर 24 तो 48, 50 हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाय कितना 2, मतलब ये आपका आएगा 4851/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये पहले हमने क्या किया, इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसको 1+ कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू बैठा है 2/3 π² कितना होता है 22/7 इधर r³ हो गया इक्वल
यहाँ पे चला गया, 7 भी यहाँ पे चला गया, ये 2 नीचे आ गया, ये 2 तो पहले से यहाँ पे था, ये 22 इस जगह पे आ गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं ये डिवाइड होता है क्या, डिवाइड करके इसको हम लोग देखेंगे, इसको चेक करके 11 का टेबल में ये कर देगा क्या, 4 8 5 1 को देखते 11 का टेबल से, 11 4 14 4, 8 में 4 4 हो गया, ये 5 11 4 44 5 1 1 11 1, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा तो ये आर क्यू पर ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 4 1 और इधर से आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 11 2 22। अब इसको तोड़िए, इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, 447 है तो 21 21 जब 441 आता तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जब इसको आप तोड़ोगे देखो ये तो हमने डिवाइड किया, अब 441 को अगर आप तोड़ोगे तो ये आएगा 3 × 7 × 3 × 7 आ गया, और पहले से हम लोग के पास क्या था, 3 × 7 था, और भाई में क्या है 2 × 2 × 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्यूब है तो हमको कोशिश करना ये है कि इसको क्यूब में बना, तो क्यूब में कैसे बनेगा, ये तो हमारा आर क्यूब हो गया, इधर से 3 × 3 × 3 3 × 7 7 7 भी 3 बार है, बाय 2 × 2 भी 3 बार है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आर क्यूब इक्वल टू 3 × 7 बाय 2 का क्यूब हो जाएगा, क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल टू होगा 21/2। देखिए हम लोग का रेडियस निकल गया, रेडियस कितना आया, रेडियस हमारा 21/2 आया। ठीक, अब हम लोग को क्या फाइंड करना था, हम लोग को फाइंड करना था कर्व सरफेस एरिया, तो देखिए कर्व सरफेस एरिया और रेडियस स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 2 पाई का रूट 22/7 होता है इनटू रेडियस, तो रेडियस हमारा कितना है 21/2, ये होगा 21/2 इनटू 21/2। अब हम लोग इसको कर देंगे 2 से 2 करेगा 2 से 11/7 3 = 21, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 3 = 33 हो जाएगा, अब 33 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33, ये 66, ये 396, मतलब 693 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए।